एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पर नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक उनके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल है, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जा करके देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है, और ये ही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत है, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता, उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था, पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया, उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है,
और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वो चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में और उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है,
तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो और तिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है, जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था, और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी की वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई, और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें की लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीले गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं। अगले दिन 8 कीले गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो एक महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीले उस दीवार से बाहर निकल गई।
फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई, उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में, फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन 3 बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वो दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक घने जंगल से होकर के गुजरना था और जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी।
तो उन दोनों की नजर एक गुफा पे पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो उन्होंने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी, उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहां पे बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाजें आ रही थी। तो उन दोनों में से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती हैं और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से करी तो उसके दोस्त ने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या कभी तूने किसी भूत को देखा है? तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कह करके उसका दोस्त वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहां पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयां बन रही थी वहां पर पत्थरों पर, तो उन परछाइयों को देख करके भी वो डर रहा था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा, फिर उसके बाद में क्योंकि वो थका हुआ था तो उसको नींद आ गई। लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था, वो परछाई उसके और पास आती चली जा रही थी और बड़ी होती चली जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे, और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डर करके एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था, उसको पकड़ करके जोर से उठाया। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसके दोस्त ने उसको कहा, अब अगर दोबारा से तुझे वो परछाई दिखे तो तू वही कहियो जो मैं तुझे कह रहा हूं कहने के लिए, फिर देखते हैं वो परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको सपने में वही परछाई नजर आई और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वही कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलने लगा वो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी। वो बोलता रहा, वो परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब यह निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी, बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया।
उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ, और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था, पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था, उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता, और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे, और फिर उसके अंदर से यह ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है, और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का, और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं, और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया, और फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ, वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा
और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के कमरे से जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से जो एक था उसको अभी कुछ दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में खिड़की थी उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहां पर कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहां पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आकर के आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये सुन करके उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी, लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर कि दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और वो बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहां पर, जब से मैं आई हूं तब से तो ये काली दीवार यहां पर है। तब जाकर के उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से यहां पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिसयूज करते हो। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए। तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ
तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है, और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे ले करके मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी, और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी, और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।